God being very treasures of the people and the पता नहीं आपने क्या किया साले हो इतना पोल्यूशन जिंदगी तो मस्त थोड़ा सा स्टॉप क्या गया आपने पता नहीं first acid chlorophosphate this arre yaar bug gaya insomnia burdens there's dear friend kya kar raha hai yaar सब पकड़ के निकल जाना है डेट्स बुक्स इसको या फिर स्ट्रेट एंड ओह माय गॉड अगर जिंदगी में कुछ करना है तो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना और स्विंग है मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता काइको भी है इसमें सार दर्द ये दर्द वो एक ना एक होते ही रहता तो आप क्या करना लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहता है 2-3 साल से अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कुछ लोग अंदर छा के पैसा डीमैट अकाउंट खोल देता है डाल देता है यार यार पैसा शेयर भर जाएगा खरीद लूँगा मगर वो शेयर जो ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है वो नहीं दिखेगा कभी कहीं को ज़्यादा ऊपर हो चुका है तो वो नीचे आने वाला है तो वो तो दिखता नहीं आके शेयर खरीद लेता है ओवर वैल्यूड में तो अंडर वैल्यूड में शेयर खरीदना चाहिए जिसमें शेयर का रेट कम होना चाहिए और एक चीज़ देखना चाहिए शेयर में कंपनी का सपोज टाटा मोटर्स का सपोज पकड़ लेता हो एक कंपनी टाटा मोटर्स का है टाटा मोटर्स में कितना केस है कितना केस है एक साल में कितना सेलिंग हुआ और कितना प्रोडक्ट बेचा है कितना ग्रोथ आया ठीक है हाँ तो कंपनी कैसे चल रहा है कंपनी मतलब पूरा इंफॉर्मेशन आपको एक इकट्ठा करना वो इन्वेस्टिंग डॉट में मिल जाता है तो वहाँ से देख सकता है आप ठीक है और 3 महीने का 1 महीने का 5 साल का 10 साल का कैसे ग्रोथ रहा आपको इन्फॉर्मेशन लेना है आपको कुछ मालूम नहीं है तो लेना है और कैसा हालत चल रहा है आगे जाके कैसे चलेगा सब कुछ टोटल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप एक शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है अगर वो शेयर मंथली वीकली डेली अप ट्रेंड होना जरूरी है ठीक है सब कुछ अगर अप ट्रेंड में है तब जाके आप डाउन ट्रेंड में शेयर नहीं लेना अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो ही कैश मार्केट में तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ नॉलेज होना चाहिए सब अभी एक
आपको कैश मार्केट में आप ट्रेड ले रहा है, कैश मार्केट में क्या ट्रेड ले, कैश में आप एक शेयर टाटा मोटर्स नहीं तो स्टेट बैंक ही ले लेते हो, स्टेट बैंक का शेयर आप बाय किया, ठीक है, टाटा स्टेट बैंक का 700 शेयर आप बाय किया, तो आपका फ्यूचर वक्त कितना आता है, तो उसका एक शॉर्ट कर देना। शॉर्ट करने से क्या होता है, दोनों प्राइस लॉक हो जाता है, नहीं तो ऊपर गया लॉस होगा, नीचे गया तो प्रॉफिट होगा। तो ये कंपनी लॉक कर, ऐसा कोई कंपनी रहता है उसको लॉक कर देता है दोनों शेयर, तो कंपनी का कोई पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो इसी तरह से वो लॉक कर देता है पैसा। बहुत सारे कंपनी रहता है ऐसा ही करता है, तो कंपनी पैसा लॉक कर देता है, अपना अपना पैसा लॉक हो जाता है, जो ज़्यादा भी उसका कंपनी का पैसा लॉस ही नहीं होगा, और नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा, दोनों तरफ गया तो उसको प्रॉफिट है, कभी लॉस नहीं है। तो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड पे भी रहता, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता है कैश में, अगर फ्यूचर का शॉर्ट कर देता हो और कैश का बाय कर देता है, ऐसा करता है। अगर ऑप्शन में, अगर फ्यूचर में आप ट्रेड करना चाहता है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता ना, तो सपोज आप निफ्टी का एक लॉट ले लिया, निफ्टी का एक लॉट ले लिया और एक लॉट आप बाय किया, ठीक है, आप ऑप्शन का तो एक पुट, पुट को आपको बाय करना पड़ेगा, क्यों, पुट को आप बाय करने से, तो पुट को एक बाय करता शॉर्ट जो बोलता है उसको, सिंपल में आपको शॉर्ट ही समझा देता, पुट को एक शॉर्ट कर लेना, शॉर्ट करो तो बाय हो जाएगा फिर, तो इसीलिए उसको बाय करो तो शॉर्ट होता है ऐसा, तो उसको ऑप्शन को मालूम रहे तो उसको बजाना, तो एक शॉर्ट कर देना, एक फ्यूचर को बाय करना और ऑप्शन का, ऑप्शन का एक शॉर्ट करना, ठीक है, मतलब पुट को बाय करो तो शॉर्ट हो जाता है ऐसा, तो एक एक बाय एक शॉर्ट, तो ये दोनों अगर करे तो आपको, आपको क्या फ्यूचर का 2 लाख रुपये लगा है, ऑप्शन का देखना जो वहाँ कितना प्राइस मिल रहा है, प्रीमियम कितना में मिल रहा है, तो अगर 2 लाख का है इसमें आप 1.5 लाख का लगाना, क्यों, लॉस हुआ तो थोड़ा होगा, प्रॉफिट हुआ तो फ्यूचर का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका एक हेजिंग स्ट्रेटजी रहता फ्यूचर का। ऑप्शन में डायरेक्ट अगर ऑप्शन टू ऑप्शन करना चाहता है तो एक सपोज 20,000 में आपका प्राइस चल रहा है, तो आपका मतलब एट द मनी चल रहा है आपको 20,000, ठीक है, एट द मनी जो बोलता है, दोनों सेम प्राइस में रहता, तो एट द मनी रहता, अगर आपको इन द मनी होना, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, वो सब आपको मालूम हो तो बताता, सिंपल में बताता हूँ मैं, एक पुल को 20,100 सपोज बताता हूँ, एक कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, अगर आपको मालूम है 21,000 22,000 3-4,000 तक आ सकता है, 400 तक जा सकता है 20,000, तो 400 तक जा सकता है, तो आप क्या करना, एक कॉल को 20,400 एक कॉल बाय कर लेना, ठीक है, और नीचे का थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, ठीक है, थोड़ा नीचे तरफ एक पुट का बाय करना चाहिए, पुट को बाय करा तो कितना आपको उसका नीचे, एक दो नीचे इसका देख के एक बाय करना, दोनों कैलकुलेटर हिसाब करना कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, बाय मिस्टेक आपको 20,400 है तो उसको 400 नहीं जाके आपको 20,000 से नीचे आ रहा है, तो आपको प्राइस क्या होगा, ऊपर का जो कॉल बाय किया उसका प्रीमियम घटते जाएगा, नीचे तरफ आते जाएगा, और जो नीचे का है वो आपको बढ़ते जाएगा, तो ये है एक हेजिंग स्ट्रेटजी, हेज कर चले तो कॉल ऑप्शन में, ठीक है, आप कॉल में कैसे, फ्यूचर में आप कॉल आप पुट दोनों ही हेज करके रख सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड लेके बाय किया तो उसका पुट एक बाय कर लेना, ठीक है, पुट एक बाय कर लेना, तो एक तरह से आपको नॉलेज मिलेगा, कोई मास्टर के पास जाके सीखना चाहिए आपको, ठीक है, एडुकेशन लेना चाहिए, बिना नॉलेज में मार्केट में बिल्कुल नहीं आना, ये मार्केट आपको डूबा देगा पूरा पैसा, ऐसा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट पैसा डूबाना है तो आप आना, ठीक है, मार्केट में अगर आपको अच्छा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का भी डूबा नहीं आना, ठीक है, मैं तो भाई इंटर ट्रेडिंग करने वाला हूँ नहीं, करता भी नहीं हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और उसके साथ लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, काहे को भाई मेरे साथ मेरे पैसा मैं हमेशा सेव करके रखता हूँ, बैंक में पड़ा रहने से कुछ नहीं मिलता, 0.3% और अभी तो 6% दे रहा है, मतलब इससे कुछ होने वाला है नहीं, इससे अच्छा है शेयर मार्केट में पड़ा रहना, 2-3 साल का लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ तो मिलेगा, ठीक है।
ये स्टेट बैंक कोई भी बैंक होने दो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है बैंक में रख के, साला इन्वेस्ट देता ही नहीं है, 7% 8% क्या है उसमें, वो तो उससे अच्छा है साला अंदर घर का अंदर रख देना, वो अगर ऐसा करे तो फिर और एक परेशानी है, देश का GDP घटते जाएगा। लॉन्ग टाइम अगर आपको अच्छा से नॉलेज नहीं है तो नहीं आना मार्केट में कभी भी, अच्छा नॉलेज लेके ठीक है, और फ्यूचर में का अगर बाय कर रहा है तो आपको एक पुट शॉर्ट करना जरूरी है, ठीक है, मतलब आप फ्यूचर का बाय कर रहा है तो एक ऑप्शन का पुट बाय करना चाहिए, बाय करे तो सेल शॉर्ट सेल हो जाता है, तो आपको मालूम होगा तो वो आना उसमें, वो कॉल पुट कैसा है वो आप हमारा टेलीग्राम का नीचे जाएगा ना, उसको वहाँ पे कैश मार्केट का बुक्स मिलेगा और ऑप्शन का बुक्स, कैश मार्केट का बुक्स और स्विंग ट्रेडिंग का बुक्स, ये चार बुक्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा, और भी हजार और 4-5 बुक है उसमें, तो क्या है आपको थोड़ा सा ऑप्शन का बारे में है तो ऑप्शन बुक्स है उसमें, ऑप्शन का कैश मार्केट का कैसे कैश कैंडलस्टिक का कैंडलस्टिक, तो कहीं ना कहीं वो टेलीग्राम चैनल है मेरा जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देगा, मैं टेलीग्राम चैनल में लिंक दे देगा, तो लिंक जाके आप ले लेना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बुक्स पढ़ के थोड़ा सा नॉलेज तो होगा, बिल्कुल कुछ मालूम नहीं रहे तो उसके बाद आप ट्रेडिंग व्यू का कैश मार्केट में जाके सपोज आप स्टेट बैंक का शेयर लिया तो आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसा आना चाहिए, वो तो आपको भी नॉलेज नहीं है स्विंग ट्रेडिंग कैसा होता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके देखना ऊपर का लेवल नीचे का, तो डे का लिया तो एक दिन का अगर लिया तो कैसा होता है, एक दिन का अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है तो एक दिन में 3 से 4 महीने लगता है एक दिन का, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको शेयर सेल होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा देना, तो वो एक एक स्विंग ट्रेडिंग एक एक जैसा है। लॉन्ग टाइम के अगर हो तो एक डे कैंडल लेना, 1 डे का कैंडल ठीक है, नहीं तो 1 महीने का भी कैंडल ले सकता है, तो 1 महीने का कैंडल है तो 1 डे का कैंडल दोनों ही देखना पड़ता और प्लस 1 डे का कैंडल, तीनों को एक कंपेरिजन करके देखना पड़ता है, 1 आवर का कैंडल, 1 डे का कैंडल, 1 मंथ का कैंडल, तीनों देखना पड़ता है, अगर 2-6-3 साल के लिए देखना पड़ता है ऐसा, उसके बाद 1 ईयर का देखना पड़ता और 12 मंथ का, मतलब हर चीज़ में जैसे गाड़ी चलाता है ना आप लोग, गाड़ी चलाने का समय आगे पीछे ठीक है सामने देखना पड़ता है, सेम उसी का शेयर में, कंपनी में शेयर घाटा चल रहा है, कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, मतलब अब कैश फ्यूचर ऑप्शन ये तो तीन चीज सब एक कैश से ही आता है, कैश मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, कैश नहीं रहे तो ये दोनों कुछ फायदा का नहीं है, तो इसीलिए कैश मार्केट में प्राइस कैसे चल रहा है वो हिसाब से ये भी चलता है, तो आदमी बोलता है यार तुम कैश मार्केट में अच्छा नहीं है, फ्यूचर में मेरे को तुमको आता नहीं है, ऑप्शन में तो आता नहीं है, भाई अगर कैश जिसको आ गया ना तो ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ट्रेडिंग कर सकता है, क्यों मालूम है, उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, उसको फ्यूचर का रूल स्प्रेड कॉल ब्लू हेजिंग स्ट्रेटजी ठीक है बटरफ्लाई बहुत सारे रीजन आता है उसमें, हर चीज बुक्स में रहता है और मास्टर के पास से कोचिंग लिया कोई भी मास्टर जिसका अच्छा नॉलेज हो तो अपना आप आपको सिखा दे, 1 महीने के अंदर आपको धीरे धीरे नॉलेज आ जाएगा, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रखना, प्रैक्टिस कैसे करेगा पैसे लगेगा कि नहीं वहाँ पे आप बुक में लिख के रखना ठीक है, और 6 महीने ऐसा प्रैक्टिस करना बुक में, आप शेयर खरीदना नहीं क्यों आपको लग जाएगा, तो ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद जब धीरे धीरे 1 साल 2 साल हो जाएगा तो धीरे धीरे पैसा लगाते रहना, और ऊपर से स्विंग ट्रेडिंग का सीख लेना जो पेपर ट्रेडिंग है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें माल कुछ खरीद लेना होल्डिंग करके रख देना, मतलब पेपर ट्रेडिंग का तो स्विंग ट्रेडिंग देख के खरीद के रख देना, बाद में अगर आपको ये 5 दिन का अंदर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर आपको 5 दिन का अंदर प्रॉफिट दे दिया तो समझ लेना नहीं आपको धीरे धीरे ज्ञान आ रहा है अच्छा नॉलेज आ रहा है, तो ऐसा ऐसा सीखना, पैसे लगाएगा नहीं सीखना कभी, पैसे लगाया तो चूना लगेगा, पैसे लगाएगा तो माइनस होते रहेगा ऐसा, तो पेपर ट्रेडिंग करके सीखना चाहिए और बुक्स में लिखना चाहिए अभी कितना चल रहा है प्राइस, ये मैं स्विंग ट्रेडिंग का सपोज आप फ्यूचर का एक निफ्टी बाय किया 20,000 रुपये दे के, तो 20,000 का और 20,100 रुपये दे के बाय किया तो आगे जाके 20,400 आने वाला है, तो 20,400 लिख के रखना
और 20,000 में माल खरीदा है, तो ओवर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देखना कैसा हो रहा है। तो नीचे का भी एक पुट, एक कॉल बाई करना है, एक पुट शॉर्ट करना, ठीक है, दोनों हेजिंग। जब ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन अलग रीजन का है, वो कॉल अलग है, पुट अलग है। अगर कॉल में जाएगा एक CEP, ठीक है, जिसको कॉल पुट बोलता है सिंपल भाषा में, तो CEP, एक सी आप खरीद लिया, सी मतलब कॉल होता है, कॉल, अगर एक कॉल आप बाई किया, ठीक है, तो आपको कॉल बाई करने से क्या ऊपर जाएगा। अगर आप इधर का पुट, पुट मतलब जिसको सेल बोलता है, सेल को मतलब पुट होता है, वो थोड़ा अलग रीजन का है, तो उसको अगर आप बाई किया ना, बाई करने से मार्केट नीचे तरफ आएगा, ऊपर नहीं जाएगा वो। अब उसमें बाई लिखा, ठीक है, उसमें बाई करा तो नीचे आएगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये दोनों, अगर आपको एक सी बाई करना है, एक पुट भी बाई करना, तो दोनों बाई करने से एक सेल हो जाता है, एक बाई हो जाता है, दोनों प्राइस हैजिंग स्ट्रेटजी हो जाता है। तो देखना बस, वो सारा एक दिन का काम नहीं है भाई, वो एक महीने लग जाएगा आपको सीखते सीखते। तो एक ऑप्शन का और फ्यूचर का, ठीक है, और कैश मार्केट, लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना है बोले तो कैश मार्केट में अच्छा से देख के, स्विंग ट्रेडिंग में कैसा है, डे कैंडल लेके और ईयर्स का देखना, और कि कंपनी केस है कि नहीं है, ठीक है, वो हज़ारों इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, कंपनी का ग्रोथ कितना चल रहा है, 3 साल में कितना ग्रोथ दिया, 1 साल में कितना दिया, कंपनी माइनस में है, पॉजिटिव में, केस कितना है कंपनी में, मतलब और किसी के ऊपर केस तो नहीं है कंपनी, वो हर चीज़ देखना पड़ता भाई, कंपनी कैसा क्या कर रहा है, कितना प्रोडक्ट बेच रहा है, किधर से प्रोडक्ट आ रहा है, कैसे सेल कर रहा है, ठीक है, वही केस में से, और कंपनी कितना लोन में है, कितना उसके पास लोन है, उसका पैसा कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है कंपनी में बिजनेस करके, वो कितना शेयर में, अपना शेयर के अंदर कितना रखा कंपनी में, कंपनी खुद का अगर शेयर नहीं रहे तो उसमें कभी नहीं लेना शेयर, वो सारे लोग खुद अगर शेयर लेके रखता उसमें, ठीक है, तो लिखना कंपनी का खुद का अपना आप कितना शेयर बाय किया वो देखना पड़ता, उसका कितना शेयर है कंपनी का वो, तो वो भी देखना पड़ता है, वो अगर खुद नहीं रहे तो आप लोग जाके बाय करेगा तो कब फंसेगा फिर, तो देखना पड़ता है कौन सा म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्ट किया, दूसरा मतलब खुद जाके इन्वेस्ट नहीं करना, कौन सा आप सपोज म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक वाला कितना म्यूचुअल फंड कितना इन्वेस्ट किया है, सपोज ये टाटा मोटर्स का लेता हो तो इसका कंपनी में दूसरा कंपनी कितना इन्वेस्ट किया, अपना ओनर कितना इन्वेस्ट है, तो सब देखना कितना चल, टोटल एवरेज कितना आ रहा है और कंपनी कितना ग्रोथ चल रहा है, बैक साइड में कितना केस है, प्रॉफिट है, एक महीने में कितना प्रॉफिट आया, 2 महीने का कितना चल रहा है, अभी कितना डाउन था, और कंपनी का शेयर अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मंथली वीकली अप ट्रेंड है, ठीक है, डेली अप ट्रेंड होना चाहिए, तो शेयर को मालूम होना चाहिए अप ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड का शेयर में कभी बाय नहीं करना, कहीं और नीचे आ सकता है, तो वैसा हार नॉलेज मिलता आपको टीचर पकड़ लेना कोई भी आपका नज़दीक हुआ तो। ऑनलाइन में कोर्स कभी नहीं लेना, कुछ होने वाला नहीं, ऑनलाइन कोर्स में आप सीख नहीं सकता है, नज़दीक रहे तो आप उस